खरगोन जिले के भगवानपुरा थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए 20 लाख रुपए के एक क्विंटल 30 किलो गांजे के साथ चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपी महाराष्ट्र के धुलिया से तीन बाइक पर बोरे में गांजा भरकर जा रहे थे। पुलिस कार्यवाही के दौरान दो आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने तीन बाइक भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया के सामने आज अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी महाराष्ट्र के धुलिया से गांजा लाकर खरगोन बड़वानी जिले में सप्लाई करते थे। महाराष्ट्र के धुलिया में जंगल के रास्ते बोरों में भरकर आरोपी गांजा ला रहे थे। इस दौरान भगवानपुरा के पास पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस आरोपियों गिरोह के नेटवर्क का पता लगा रही थी। महाराष्ट्र के धुलिया में गांजा लाने की बात सामने आ रही है। पुलिस मुख्य आरोपी का भी पता लगाएगी। इसके लिए पुलिस दल धुलिया भी जाएगा। पकड़े गए एक क्विंटल 30 किलो गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि पकड़े गए आरोपियों के तार किसी बड़े गिरोह नेटवर्क से जुड़े हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। इसमें जो हमारा अभियान चलाया जा रहा था, खास करके मादक पदार्थों के विरुद्ध, उसमें आप लोगों के माध्यम से और कई लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि शहर में कुछ जगहों पर गांजे की बिक्री का जो हथियार संज्ञान में आया, तो उसकी जब हम लोगों ने जाँच की और किस प्रकार से ये हम लोगों के यहाँ पे आना पाया जाता है, तो उसके संबंध में जब हम लोगों ने पता लगाया और हमारे जो मुखबिर हम लोगों ने इसमें लगाया, तो उनके माध्यम से हम लोगों को इसमें सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो धुलिया महाराष्ट्र में वहाँ से गांजा लाकर यहाँ पे सप्लाई करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही एक रिसेंट ट्रांजेक्शन जो होने वाला था, जब उन्होंने उसकी सूचना मिली, तो उसके आधार पर जो हमारी लोकल टीम है उसने भगवानपुरा पुलिस के साथ मिलकर एक कम्बाइंड ऑपरेशन किया और उसमें करीब एक क्विंटल 30 किलो गांजा जो है जो वहाँ से होता हुआ बड़वानी और उसके बाद भगवान लाया जा रहा था, उसको हम लोगों ने फूडकोर्ट में इसको इंटरसेप्ट किया। इसमें तीन मोटरसाइकिलों पर करीब 6 लोग थे जो इसको लेके आ रहे थे। तो जो पुलिस ने जब इसमें दबिश दी, तो उसमें दो लोग वहाँ से मौके से फरार होना में सफल हुए, बाकी चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जो इनके पास करीब टोटल जो गांजा था, एक क्विंटल 30 किलोग्राम, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये के आसपास है, वो पुलिस ने इनसे जब्त की। और साथ साथ जो दो मोटरसाइकिल जिन पर ये चार लोग सवार थे, उनको भी पुलिस जब्त करने में सफल हुई। ये अभी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और इन्होंने इसको धुलिया से लाना बताया है, तो अब इसके आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग वहाँ पे भी जाके पता करेंगे। जिस व्यक्ति का नाम इन्होंने बताया जिससे इनके संपर्क थे, उसके विषय में भी हम लोग पता लगा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से इसकी जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रतिबंधित होने वाले कितनी बड़ी मात्रा में गांजा जब्त हुआ, इसका मतलब खेती चल रही है? अब ये इसमें आगे जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जहाँ से ये लाना बता रहे हैं वहाँ पे जाके अगर उसकी जानकारी ली जाएगी, तो ये कहना आगे फिर क्लियर हो पाएगा कि इसमें किस प्रकार से वहाँ पे ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।